हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप विंडो 10 का पीसी चलाते हैं, विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, आप चलाते हैं, तो उसमें जो एंटीवायरस होता है विंडो डिफेंडर का, आप उसे कैसे ऑफ करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो विंडो डिफेंडर एंटीवायरस है यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस एंटीवायरस को बंद करने के लिए दो तरीका है। जो सबसे पहले वाला तरीका है, आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज सिक्योरिटी वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीवायरस यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं। फिर यस पर क्लिक कर देना है। इसके नीचे भी है, इसे भी ऑफ कर देना है और थोड़ा नीचे की तरफ आना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे भी ऑफ कर देना है, इसे भी ऑफ कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो विंडो डिफेंडर जो एंटीवायरस है यहाँ पे ऑफ हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आपके कंप्यूटर में विंडो डिफेंडर एंटीवायरस है, उसे आप ऑफ करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दूसरा तरीका बतला दे रहा हूँ कि किस तरह से आप विंडो डिफेंडर एंटीवायरस को बंद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो एंटीवायरस है यहाँ पे ऑन है, ठीक है। इसे बंद करने के लिए आपको जाना है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज सिक्योरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायरस प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एंटीवायरस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसे भी ऑफ कर देना है, इसे भी ऑफ कर देना है, इसे भी ऑफ कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो एंटीवायरस है यहाँ पे ऑफ हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम का एंटीवायरस बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।